श्यानता किस बात पर निर्भर करती है? श्यानता का मतलब क्या होता है? एक तरीके से घनत्व से संबंध नहीं है इसका, ठीक है? इसका मतलब होता है जब तरल बहता है तो तरल की दो परतों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल जो कि गति विरोधी बल होता है, और जितना ज्यादा गति विरोधी बल आकर्षी बल होगा उतना ही ज्यादा श्यानता होगी। तो श्यानता को अपन एक तरह से शुद्ध हिंदी में चिपचिपापन कह सकते हैं। कई पदार्थ ऐसे हैं, तरल ऐसे हैं जिनका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो बहते हैं तो स्मूथली बहते हैं, उनमें कोई विरोधी बल बहुत ज्यादा नहीं लगता। लेकिन कई पदार्थ ऐसे हैं जिनका घनत्व कम है, लेकिन फिर भी उनमें दो परतों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, तो चिपचिपापन ज्यादा है, इसलिए वो जब बहते हैं तो बहुत कम वेग से बहते हैं, उनमें उनकी श्यानता ज्यादा होती है। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी, उससे एकदम लावा फटता है, तो लावा एकदम प्योर मेटल होती है वो, और उस मेटल में आप देखोगे कि डेंसिटी तो बहुत हाई होगी, धातु पिघला हुआ धातु है तो डेंसिटी तो हाई है। अब घनत्व इतना हाई होने के बावजूद भी जब वो बहती ही है तो दो परतों के बीच में आकर्षी बल बहुत कम होता है, तो बहुत स्मूथ बहती है। और शहद है, हनी, वो अगर एक पहाड़ पर डाल दी जाए वहां से वही उसी जगह से लावा निकल रहा है नीचे, तो हनी तो बहुत देर में नीचे आएगी, शहद बहुत देर में नीचे आएगा, जबकि वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हनी का घनत्व जो है लावा के कंपेरिजन में कम है, लेकिन फिर भी उसकी श्यानता ज्यादा है। तो श्यानता का अर्थ घनत्व से नहीं है, ध्यान देना। तो अब श्यानता किन-किन बातों पर निर्भर करती है? तो जैसे पहला है द्रव के ताप पर। जब ताप बढ़ाओगे तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, वो ज्यादा तेज गति करेंगे, जिससे अणु मध्य जो ससंजक बल है, मतलब समान पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। तो वो ससंजक बल भी क्या होगा? घटेगा। इससे ताप बढ़ाने पर बल घट गया तो आकर्षी बल घट गया, इसका मतलब श्यानता भी घट जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है, ये होता है द्रव के अंदर। लेकिन गैसों में क्या होता है? गैसों में, गैस गैस भी तो तरल है, गैसों का ताप बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन जो होता है, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में क्या कहा गया है, गैसों में श्यानता एक गतिशील परत से दूसरी गतिशील परत के मध्य गैस के अणुओं में विसरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता किसके कारण है? डिफ्यूजन के कारण, मतलब विसरण के कारण। अब विसरण की दर इसमें क्या होता है? ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। विसरण यानी डिफ्यूजन और आसानी से होने लगता है, डिफ्यूजन की दर इसमें ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, इसलिए श्यानता गैसों की ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, ठीक है? तो द्रवों की घटती है ताप के साथ, और ताप बढ़ाने से गैसों की बढ़ती है, ये दो एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टी है। ताप बढ़ाने पर ध्यान देना द्रवों की श्यानता घटेगी, और विसरण की दर चूंकि बढ़ जाती है, डिफ्यूजन रेट बढ़ जाती है, इसलिए द्रवों की, इसमें गैसों की श्यानता ताप के साथ बढ़ेगी। दाब की अगर देखें तो द्रवों की श्यानता तो दाब को बढ़ाने पर बढ़ेगी, लेकिन गैसों की श्यानता निर्भर नहीं करती दाब पर। ये दो हैं, बाकी तरल जैसा है, प्रकृति कैसी है, उसकी उस बात पर निर्भर करेगी। एक है केश नली में नियत प्रवाह के लिए पॉइस्टुली फार्मूला। पॉइस्टुली फार्मूला ये होता है कि एक ट्यूब है, नली है, और उसमें कोई तरल बह रहा है। उस ट्यूब की त्रिज्या अगर आर है, उसमें बहने वाले द्रव की श्यानता गुणांक ईटा है, और ट्यूब की लंबाई एल है, और दाबांतर पी है, तो एक फॉर्मूला होता है पाई पी आर 4/8 ईटा L, प्रवाह दर इसको कहते हैं। जैसे एक नली है, इस नली में कोई द्रव बह रहा है, इस नली की लंबाई हो गई L, यहां P1 प्रेशर है, यहां P2 प्रेशर है, तो दाबांतर हो गया P1 - P2 = P। दाब में अंतर नहीं होगा तो ये द्रव बहेगा नहीं, तरल बहेगा नहीं, बहने के लिए क्या चाहिए? दाबांतर चाहिए। इसमें बहने वाले द्रव या तरल की श्यानता गुणांक है ईटा, तो वो कहते हैं कि जो प्रवाह दर है क्यू, क्यू क्या होती है? प्रवाह दर, प्रवाह दर का मतलब इकाई समय में प्रवाहित होने वाला
तरल का आयतन, तो वी अपॉन टी। तो क्यू ये होता है, वो फॉर्मूला होता है पाई पी आर टू दी पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। यहाँ आर इसकी त्रिज्या होती है, इस ट्यूब की त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले से हम प्रवाह दर ज्ञात कर सकते हैं, और प्रवाह दर दी है तो हम ईटा श्यानता गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। ये पॉइसुली फॉर्मूले होता है, ठीक है, पॉइसुली फॉर्मूला। अब इसमें अगला टॉपिक आता है स्टोक का नियम, बस सीमांत वेग। स्टोक का नियम क्या होता है? स्टोक का नियम, इससे हम सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं, सीमांत वेग। देखिए अभी तक हमने फिजिक्स में घर्षण की बात करी, तो ठोस और ठोस सतहों के बीच घर्षण लगता है, वो तो ऑर्डिनरी घर्षण होता है जो घर्षण वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। एक घर्षण गति विरोधी कौन सा हो सकता है, जो सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठोस और ठोस परत के बीच में लगे। दूसरा घर्षण हो सकता है तरल है, तरल जब बहता है तो तरल की विभिन्न परतें बहती हैं, तो विभिन्न परतों के बीच में आपस में, दो परतों के बीच में आपस में लगने वाला जो ससंजक बल है, उसके कारण जो घर्षण बनता है वो कौन सा है, तरल और तरल के बीच में, तरल की परत है, दूसरी भी परत किसकी है, तरल की है। तीसरा जो घर्षण लग सकता है कि द्रव ऐसे बहे कि या कोई वस्तु द्रव के अंदर डुबो दी जाए, जैसे एक बॉल है, बॉल को किसी तरल में डुबो दिया, गिरा दिया, तो अब बॉल की सतह है, गेंद की सतह है, और घर्षण किसके बीच में लगेगा, गेंद की सतह यानी ठोस की सतह और द्रव की सतह के बीच में। तो द्रव की सतह और ठोस की सतह जब फिसलती हुई चले तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, असंजक बल, क्योंकि ससंजक बल दो तरह के बल होते हैं, अभी आज पढ़ेंगे हम, ससंजक और असंजक। ससंजक बल का मतलब होता है कोएसिव फोर्स, कोएसिव फोर्स का मतलब है समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षी बल। असंजक बल का मतलब है दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षी बल। तो तरल जब बहेगा तो उसमें तो ससंजक बल के कारण घर्षण आएगा, ठीक है, और जब कोई वस्तु गेंद के आकार की है उसको हम किसी तरल में डुबो दें या फेंक दें, तो गेंद की सतह और द्रव की सतह, ये दो अलग अलग पदार्थ की सतह हो गई, उनके अणुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा, असंजक बल होगा। तो इसके कारण जो घर्षण बनता है, गति विरोधी बल बनता है, वो कहलाता है, वो दिया था स्टोक ने, तो स्टोक फोर्स होता है वो, स्टोक बल, वो भी गति विरोधी बल है, सापेक्ष गति विरोधी बल है स्टोक बल। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये गोलीय वस्तु के लिए है, यानी आर त्रिज्या की एक बॉल है, आर त्रिज्या की एक बॉल है, और उसको अगर हम किसी तरल में, ये तरल हो गया जिसका श्यानता गुणांक ईटा है, इसमें जस्ट ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, ठीक है, तो यहां पर इस गेंद की सतह और द्रव की सतह के बीच में एक गति विरोधी बल लगता है, सापेक्ष गति विरोधी बल लगता है, जिसका मान कितना होता है, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। इसकी दिशा किधर होगी, जिधर सापेक्ष गति हो रही है, ये नीचे आ रहा है बॉल, तो इसकी दिशा इस पर ऊपर होगी, इसको ऊपर फेंको तो एफ की दिशा नीचे होगी, गति का ये विरोध करता है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये हो गया, इसको कहते हैं स्टोक का नियम। अब स्टोक के नियम से जो स्टोक बल लगा, गति विरोधी बल लगा, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं है, विमीय रूप से शुद्ध इसको प्रूफ कर सकते हो कि एफ डिपेंड कर रहा है ईटा पर, एफ डिपेंड कर रहा है आर पर, एफ डिपेंड कर रहा है वी पर, तीन पर डिपेंड कर रहा है, फिर एबीसी बना लो उसके ऊपर पावर लगा के, फिर विमीय रूप से इसको निकाल सकते हैं कितना आता है, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब अपन देखें सीमांत बल, ये सीमांत वेग कैसे निकाले। तो क्या होता है, ये जैसे एक बॉल को हमने किसी तरल में गिरा दिया, ऐसा सोचो, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे एक बॉल है, ऊपर अगर हम हवा में किसी बहुत अधिक ऊंचाई से ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब ड्रॉप कर रहे थे वहां पर, तो ड्रॉप करते समय वेग क्या था, शून्य, प्रारंभिक वेग शून्य था।
अब वो बॉल नीचे आती है, त्वरित होती है कि नहीं होती? त्वरित होगी। कितने त्वरण से? जी त्वरण से त्वरित होगी। जी का मान मोटे तौर पर 10 मान लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम कहेंगे हर सेकंड में उसका वेग कितना बढ़ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। इसी को त्वरित त्वरण कहते हैं। अच्छा अब क्या होगा, जैसे इसको छोड़ रहे हैं तो उस पर एक बल तो लग रहा है नीचे, एम जी। मान लो तरल नहीं होता, तरल मतलब हवा नहीं होती, वैक्यूम होता, तो वस्तु यानी बॉल का त्वरण नीचे ए बराबर जी, जी वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड में उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, कंटिन्यूस उसका वेग बढ़ रहा है, तो जमीन पर वो अत्यधिक वेग से गिरती टकराती। लेकिन होता यह है कि हवा भरी हुई है, इसको तरल कहते हैं। जब तरल में वो वस्तु गिर रही है, गोलीय वस्तु गिर रही है या कोई भी आकार की वस्तु गिरे, ये स्टोक का नियम गोलीय वस्तु के लिए है, ऐसे ही सब वस्तुओं के लिए लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि उस पर अब एम जी भार तो है ही, अब दो बल और लगेंगे उस पर। कौन सा? एक तो इसका भार एम जी लगी रहा है, ठीक है, एक ये जो तरल है, तरल ने इतना आयतन हटाया, मतलब इस वस्तु ने तरल का इतना आयतन हटाया, बोलो गोली वस्तु ने कितना आयतन हटाएगा इस तरल का? जितना गोले का आयतन है 4/3 πr³, इतना आयतन का तरल वो हटाएगा। तो उतने आयतन का तरल हटाने से इस पर एक उछाल बल लगेगा ऊपर, तो ऊपर लगा कौन सा? एक उछाल बल लगा, इसको एफ अपथ्रस्ट मान सकते हैं। एक बल ये लगा, अब ये नीचे गिर रही है तो ये द्रव की सतह और इस वस्तु की सतह फिसल रही है, तो इनके बीच में स्टोक बल लगेगा, गति विरोधी बल, वो भी ऊपर ही लगेगा, तो वो भी ऊपर लगा दिया। ये कितना लगा? एफ एस मान लेते हैं उसको। तो होता यह है कि जो स्टोक का नियम है, स्टोक बल है, वो किस पर निर्भर कर रहा है? वेग पर। अच्छा ये जो उछाल बल है वो तो फिक्स है, जितना आयतन, जिस गोले का आयतन जितना है उतना ही तो पानी हटेगा या उतना ही तो तरल हटेगा, और ये एम जी भी फिक्स है, जितना भार है उसका उतना एक्चुअल भार रहेगा, ऊपर से नीचे आने पर भार तो कम होने वाला नहीं है, वास्तविक भार की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों तो फिक्स है। अब अगर मान लो ये शुरुआत में नहीं लगा क्योंकि छोड़ रहे थे, तो वेग क्या था? जीरो। प्रारंभ में वेग जीरो था, तो एम जी का मान ज्यादा होता है और ऊपर जो उछाल वाला है उसका मान कम होता है, इसलिए वस्तु नीचे आती है तरल में। अब नीचे आ रही थी वो और उसका वेग बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बल का मान ज्यादा है एम जी का, इसलिए एम जी में से एफ अब घटेगा, तो एम जी का ही कोई भाग बचेगा, वो नीचे की दिशा में हमें परिणामी बल मिलेगा, उस बल के कारण उसमें त्वरण होगा। लेकिन जैसे जैसे जी नीचे आएगी तो उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा तो एक बल एफ एस और लगने लगेगा, जिसका मान भी बढ़ रहा होगा, बढ़ते 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 ये नीचे आएगा तो इसका वेग भी बढ़ेगा, वेग बढ़ रहा होगा तो एफ एस भी बढ़ रहा होगा, तो ऊपर की दिशा में लगने वाला कुल बल बढ़ रहा होगा। और कुल बल बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वेग इतना बढ़ जाता है कि ऊपर की ओर लगने वाले जो दोनों बल हैं उन दोनों का परिणामी बल एम जी के ठीक ठीक बराबर हो जाता है। जैसे ही ठीक ठीक बराबर हुआ तो ऊपर के सारे बल नीचे एम जी से संतुलित हो गए, अब नेट बल क्या हो गया? शून्य। तो ये जो गोला है, गोलीय वस्तु है, उस पर परिणामी बल शून्य है, तो ऊपर से नीचे आते समय जितना वेग बढ़ना था बढ़ गया, अब परिणामी बल शून्य हो गया। परिणामी बल शून्य हो गया तो कोई भी बल अब ऐसा नहीं बचा तो जो उसके वेग को और बढ़ाए, तो अब उसका वेग और नहीं बढ़ेगा, उसका वेग कैसा हो गया? अंतिम वेग हो गया जितना बढ़ना था। इसी वेग को क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। इसी वेग को सीमांत वेग कहते हैं, वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी। और अब ये सीमांत वेग से नीचे गिरेगा, इसी सीमांत वेग से नीचे गिरता है, और जब ये बॉल सीमांत वेग से नीचे गिरेगी तो मतलब इसमें त्वरण शून्य है, परिणामी बल भी शून्य है, ठीक है, उसी को ड्राइव करना है। ये पैराशूट में भी इसी का सिद्धांत लगता है, पैराशूट होते हैं ना, हवाई जहाज खराब हो जाए है ना या क्रैश हो जाए, तो उसे पायलट क्या करता है, एक बटन दबाता है तो सीट उचक जाती है ऊपर, अब सीट ऊपर की तरफ उछल गई, अब सीट ऊपर की तरफ उछल गई, फिर उसमें जो पैराशूट है वो खुल जाता है, अब फिर नीचे गिरता है वो, तो नीचे गिरता है तो कुछ दूरी तक तो क्या होता है, उसका वेग बढ़ता है, तब तक पायलट को दिक्कत आती है, लेकिन
धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, कांस्टेंट। वो कुछ दूरी तक ही होता है ऐसा कुछ, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े मजे में जो है आसानी से नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यही सिद्धांत उसमें पैराशूट में भी लगता है, यही सिद्धांत यहां लगता है। तो अब अपन इसका सूत्र स्थापित करें, ऊपर की ओर कितने बल लग रहे हैं, एफ है, और एफ अब बराबर कितना बोलो, एम जी। एफ एस हो गया 6 पाई ईटा आर वी। एफ अब थ्रस्ट बताओ कितना, एक टर्मिनल वेलोसिटी हो गई तो वीटी लिख देता हूं। एफ अब थ्रस्ट 4/3 पाई आर क्यूब। घनत्व किसका, ये जो यहां पर आसपास लिक्विड है या तरल है उसका, तो क्या मान लें, सिग्मा मान लें, चलो सिग्मा मान लेता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। एम वस्तु का द्रव्यमान 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, इसका घनत्व रो मान लेते हैं इंटू जी। ठीक है, ध्यान रखना तरल का घनत्व हमने माना है सिग्मा, और इस वस्तु का घनत्व क्या माना है, रो। यहां पर 6 पाई ईटा आर वी टी बराबर, इसको उधर शिफ्ट कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन, रो माइनस सिग्मा इंटू जी आ जाएगा, आ जाएगा। अपने को क्या निकालना है, वी टी। ठीक है, तो एक आर से तो आर उड़ा दो पहले, ये दो बचेंगे, पाई से पाई भी उड़ा दो। वी टी बराबर आया 4/3 और नीचे 6 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा। तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। फाइनली जो आंसर आया सीमांत वेग का, वी टी बराबर कितना आ रहा है, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा। तो ये जो सीमांत वेग है हम देख रहे हैं आर स्क्वायर के समानुपाती है, घनत्व के अंतर के भी समानुपाती है, और ईटा के व्युत्क्रमानुपाती है। ये होता है सीमांत वेग, तो इतना सा है सीमांत वेग, नोट कर लो इसको। तो ये ग्राफ है समय या दूरी का, वेग का समय या दूरी के साथ। तो टी बराबर 0 पर वेग 0 है, उसके बाद जैसे जैसे समय पास होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ते बढ़ते फिर नियत हो जाता है, जितना बढ़ना था बढ़ गया, और वो अधिकतम वेग क्या होता है, सीमांत वेग होता है, इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, वीटी। अब आता है रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड अंक। देखिए एक नली है, सुनो रेनॉल्ड संख्या, एक नली के अंदर जिसका, नली का जिसका व्यास डी है, स्मॉल डी है, उसके अंदर कोई तरल बह रहा है जिसका घनत्व हम रो मान लें, वी वेग से बह रहा है, और उसकी श्यानता मान लेते हैं ईटा है, श्यानता गुणांक ईटा है। तो क्या बताया, एक नली के अंदर कोई तरल बह रहा है जिसका घनत्व रो है, नली का व्यास डी है, वी वेग से बह रहा है, नली के अंदर बहने वाले तरल की श्यानता ईटा है। तो रेनॉल्ड एक सूत्र स्थापित करते हैं कि आर बराबर, रेनॉल्ड संख्या होती, अंक होता है ये, आंकिक मान होता है, ऐसी कोई इकाई नहीं होती। तो रेनॉल्ड संख्या आप आर एन से डिनोट कर सकते हो, तो आर बराबर होता है रो वी डी अपॉन ईटा। क्या होता है, आर बराबर रो वी डी अपॉन ईटा। ये आर जो है वो रेनॉल्ड संख्या है, रो वी डी अपॉन ईटा, ये सबके मान लिख दें तो रेनॉल्ड संख्या निकल आएगी। अब ये रेनॉल्ड संख्या का मान कुछ भी आ सकता है, अगर इसका मान 1000 से कम आता है, ठीक है, तो धारा रेखीय होगा, लेमिनर या धारा रेखीय होगा। आर बराबर रो वी डी अपॉन ईटा, ये क्या है, रेनॉल्ड संख्या होती है, और ये प्योर पूर्ण रूप से आंकिक मान आता है, इसका कोई इकाई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं रेनॉल्ड संख्या में कि अगर आर का मान, ये आर का मान कितना है, लेस देन 1000 है, तो प्रवाह कैसा होगा, प्रवाह धारा रेखीय होता है, धारा रेखीय होता है। और आर का मान अगर
1000 से 2000 के बीच में है, ठीक है, तो ये कैसा होता है? प्रवाह कभी भी विक्षुब्ध, कभी भी टर्बुलेंट हो सकता है, टर्बुलेंट विक्षुब्ध हो सकता है, ठीक है। और अगर ये प्रवाह कैसा है, 2000 से ज्यादा है, 2000 से अगर ज्यादा है, मोर देन 2000 है, तो कैसा होगा प्रवाह? 100% अवश्य ही विक्षुब्ध होगा, टर्ब्यूलेंट होगा, होगा, ठीक है। चलो, इसके सवाल वाल तो हो गए थे सारे, बाकी खुद कर लो, कर लेना, फिर जो नहीं आया बताना मुझे, मैक्सिमम तो करवा ही दिए मैंने। इधर के करवा दिए थे 37, 38 वगैरह, 37 करवा दिया, 37 नहीं कराया, करा दिया था 37। हाँ, तो जो इम्पोर्टेंट है, या कहो कि जो थोड़े से कठिन है, वो सब करवा दिए मैंने। फ्लूइड मैकेनिक्स के तो सारे करवा दिए थे, बाकी इसमें मिक्स हैं, इसके है ना सरफेस टेंशन के, तो वो सरफेस टेंशन की थ्योरी करेंगे तब करेंगे, समझ लो पहले इसकी कहानी क्या होती है। द्रव का जो पृष्ठ होता है, उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है कि वो तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। क्या होता है? द्रव का जो पृष्ठ है, पानी भर दो या कोई भी द्रव भर दो, तो उसकी जो फ्री सरफेस होती है, फ्री सरफेस समझते हैं मुक्त पृष्ठ कौन सा, जिसके संपर्क में वायु हो। जैसे एक बर्तन में पानी भर दिया, तो उसके ऊपर एक पृष्ठ बन गया और उसके ऊपर वायु है, तो वायु के संपर्क में होने वाली जो पृष्ठ है वो कौन सी है? फ्री सरफेस है। तो वायु की संपर्क में जो फ्री सरफेस है, तरल की या द्रव की, तो वो किसकी तरह व्यवहार करती है? द्रव की किसकी तरह व्यवहार करती है? एक तनी हुई झिल्ली की तरह काम करती है, और तनी हुई झिल्ली की तरह जब काम करती है, तो झिल्ली की ये प्रवृत्ति होती है कि वो सिकुड़ती है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, और जिसकी सिकुड़ने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। अब झिल्ली सिकुड़ रही है, इसका मतलब वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रख रही है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी द्रव का जो सतह है, वो अपनी सतह पर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, और उस तरल के इसी गुण को हम कहते हैं क्या? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव होता है ससंजक बलों के कारण। किसके कारण? ससंजक बलों के कारण। अगर प्रश्न आता है पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, और उसमें ससंजक बल लिखा है, तो ससंजक बल लगाएंगे। लेकिन अगर मूल बल दिए हुए हैं, मूल बल का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में चार ही बल है, उसके अलावा और कोई बल नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल एक बल है, दूसरा बल क्या है? नाभिकीय बल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और एक वीक न्यूक्लियर, दो हो गए, तीन हो गए ये, और चौथा होता है कूलाम बल, कह सकते हैं स्थिर विद्युतीय बल, या हम उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार ही बल हैं पूरे ब्रह्मांड में, इसके अलावा पांचवा बल है ही नहीं है। तो बाकी के अन्य बलों का कारण, अन्य क्रियाओं का कारण एक इन चारों में से ही कोई ना कोई होता है। तो देखो, न्यूक्लियर फोर्स तो अपने आप समझ में आ जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होंगे, तो दो तो वैसे ही कट गए ऑप्शन में से, कौन कौन से? न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर। गुरुत्वाकर्षण बल, जब द्रव्यमान वाली वस्तुएं होंगी तब लगता है उनके बीच में आकर्षण बल, बाकी के जितने बचे सब किस में आएंगे? विद्युत चुंबकीय बलों में ही आएंगे। तो सबका मूल कारण विद्युत चुंबकीय बल ही है, पृष्ठ तनाव का मूल कारण विद्युत चुंबकीय बल, आपका कोई डोरी है उसको खींच रहे हैं, उसमें तनाव का कारण, तनाव बल भी किसके कारण आ रहा है? वो भी विद्युत चुंबकीय बल। अविलंब प्रतिक्रिया बल, सब उसका एक ही कारण, एक ही बल के भाग है, नाम अलग अलग है। तो यहाँ जो पृष्ठ तनाव है या सरफेस टेंशन है, ये किसके कारण होता है?
ससंजक, ससंजक बल के कारण, ससंजक बल के कारण। लेकिन ससंजक बल कहां से आता है? वो विद्युत चुंबकीय बल है। अब दो प्रकार के यहां पर हम बल लेते हैं, एक तो होता है ससंजक और एक होता है असंजक। ससंजक बल और दूसरा होता असंजक बल। असंजक बल, ससंजक बल जैसे एक ही पदार्थ है उनके अणुओं के मध्य लगता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे पानी है, पानी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो बल लगाएंगे वो ससंजक बल है। असंजक बल विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है, जैसे कि पानी को अगर हम किसी बर्तन में रख दें तो बर्तन के पदार्थ के अणु और पानी के अणु आपस में जो बल लगाएंगे उसको कहेंगे अपन असंजक बल। ठीक है, सॉरी नहीं, सभी में आकर्षण होता है ऐसा नहीं है, ससंजक बल असंजक बल सभी में आकर्षण है। हाँ, प्रतिकर्षण इसमें किसी में नहीं है, ससंजक और असंजक सभी में आकर्षण आकर्षी प्रवृत्ति के ही होते हैं, क्योंकि अणुओं और अणुओं के मध्य बल लग रहा है ना, तो अणु और अणु तो आकर्षी ही करते हैं। और ये बल अगर हम कहें केंद्रीय बल नहीं होते, ये बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते, आर की पावर एन का पालन करते हैं, और एन का मान क्या होता है? 2 से ज्यादा होता है। जो केंद्रीय बल होते हैं, जो संरक्षी बल होते हैं, उनमें आर टू दी पावर 2 लेते हैं अपन। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या होता है? 1/कैपिटल G m अपन R2, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4π ε0 Q1 Q2 R2, सब में R2 आ रहा था नीचे, यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। लेकिन ये बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, आर की पावर एन यानी एन का मान 2 से ज्यादा होता है। तो असंजक बल क्या हो गया? विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षी बल, मध्य बल ये बोल सकते, ये समान पदार्थ के अणुओं के मध्य बल। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी पदार्थ को, द्रव को हमने किसी अन्य पदार्थ में भर दिया या किसी बर्तन में भर दिया, तो वहां पर ससंजक बल भी लगेगा, असंजक बल भी लगेगा। तो वो द्रव उस पदार्थ को, ठोस पदार्थ को गीला करेगा या नहीं करेगा, या उससे चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, वो डिपेंड करता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा है। असंजक बल अगर ज्यादा हुआ तो चिपकेगा, और असंजक बल ससंजक से कम हुआ तो वो द्रव नहीं चिपकेगा उस ठोस पदार्थ से। ठीक है, तो यहां पर कोई द्रव किसी ठोस सतह से चिपकेगा, इस पर निर्भर करता है असंजक बल। इसको अंग्रेजी में अपन एडहेसिव बोलते हैं, तो FA लिख देता हूं, एडहेसिव। ग्रेटर होना चाहिए किससे? F कोहेसिव, कोहेसिव माने ससंजक। तो एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव से ज्यादा है तो द्रव किसी ठोस सतह पर चिपकेगा, नहीं चिपकेगा तो द्रव किसी ठोस सतह से नहीं चिपकेगा। कब? जब एडहेसिव का मान कोहेसिव से कम है। ठीक है, एडहेसिव का मतलब चिपकाना, ऐसे याद रखो, एडहेसिव का मतलब चिपकाना, ऐड करना, ये सही है, ऐड करना, एडहेसिव का मतलब ऐड करना, चिपकाना। अब अगर FA का मान ज्यादा है तो चिपकेगा, FA का मान कम है तो नहीं चिपकेगा। इसके उदाहरण है, जैसे पानी है, पानी को अगर किसी बर्तन में भर दें तो बर्तन की दीवारों से चिपक जाता है। इसका उदाहरण है जैसे मर्क्यूरी है, पारा है, उसको किसी बर्तन में भर दो तो बर्तन
कि दीवारों से नहीं चिपकता है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया पानी व सतह, ठोस सतह कोई भी हो, इसका उदाहरण हो गया मरकरी HG व ठोस सतह। ठीक है, ये जो ससंजक और असंजक बल हैं ये कितनी दूरी तक काम करते होंगे, दो अणु कितनी दूरी तक हैं, आणविक दूरी जिसको कहते हैं, कितने दूरी तक हो कि असंजक और ससंजक बल काम करेंगे, उससे ज्यादा दूरी हो जाए तो फिर काम नहीं करेंगे। ये होता है 10^-9 मीटर। ठीक है, यानी कितने एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम या 10^-9 मीटर के ऑर्डर की दूरी तक होते हैं। तो ये दोनों ही बल की जो परास है वो कितनी होती है, 10^-9 मीटर, या कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम। दो अणु अगर 10^-9 मीटर की दूरी पर है या 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है तो ये ससंजक बल और असंजक बल काम करते हैं, अन्यथा नहीं। और अणुओं के मध्य दूरी लगभग कितनी होती है। अब अपन देखें कि जो पृष्ठ तनाव है उसका उसकी व्याख्या कैसे की गई, किस प्रकार से पृष्ठ तनाव होता है, उसको लाप्लास एक साइंटिस्ट थे उन्होंने समझाया, लाप्लास संशोधन उसमें भी था, साउंड में था वो, तो इसमें लाप्लास में लाप्लास की व्याख्या है। बता दें पृष्ठ तनाव की व्याख्या किस प्रकार से पृष्ठ तनाव की व्याख्या की गई। एक बर्तन ले लिया हमने ऐसा, और इसमें हम कोई द्रव भर देते हैं और द्रव के अणुओं पर विचार करें। द्रव के अणुओं पर विचार करने के लिए एक अणु तो ले लें इसके अंदर, ये हो गया जो पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। तो जो पूर्ण रूप से डूबा हुआ है वो इस अपने हर तरफ से समान प्रकार के अणुओं से घिरा हुआ है, इसके आसपास भी तो वैसे ही अणु हैं, तो इनके मध्य कौन से बल लगेंगे, ससंजक बल लगेंगे। तो हर अणु इसको अपनी ओर खींच रहा है ससंजक बल से, इस पर इधर बल लगा, इस पर इधर लगा, तो ये सारे बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए जो सेंटर पर यहां पर जो अणु है वो अपने आसपास हर तरह से एक ही समान प्रकार के अणुओं से घिरा है, वो सब उसको अपनी ओर खींच रहे हैं ससंजक बल के कारण, तो नेट बल इस पर शून्य हो गया, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन सोचो जो इस पृष्ठ पर है या पृष्ठ के अंदर थोड़ा सा डूबा हुआ है कोई अणु, थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा डूबा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, यहां पर नीचे तो उसके अंदर कौन से अणु होंगे, मान लो पानी की बात कर रहे हैं तो पानी के अणु होंगे और ऊपर हवा के अणु हैं, तो ऊपर किससे गिरा है, हवा के अणुओं से, नीचे पानी के अणुओं से, ये जो पानी के अणु है उसको नीचे खींच रहे हैं, ठीक है ना, ससंजक बल के कारण, और ऊपर हवा के अणु इसको, ये तो पानी के अणु है ना, हवा के अणु इसको ऊपर खींच रहे हैं असंजक बल के कारण। अब इसमें ये ससंजक बल ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, ये नीचे आने की कोशिश करता है, तो इसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता। होता है क्या परिणामी बल शून्य, बताओ, ऊपर लगने वाला बल कम है, नीचे वाला बल ज्यादा है, तो ये नीचे आने की कोशिश करता है, मतलब इस पे नीचे आ रहा है लेकिन फिर भी सतह पर है, तो इसका मतलब जो सतह पर अणु हैं उनको किसी बाह्य कारक द्वारा सतह पर कार्य करके लाया गया होगा, यानी सतह पर उपस्थित अणुओं को नीचे की ओर लगने वाले
ससंजक बल के विरुद्ध कोई बाहर से कार्य करके इनको सतह तक लाया गया होगा। तो जो एक्स्ट्रा कार्य किया है सतह तक लाने में, वो कार्य इस सिस्टम में किसके रूप में, इसकी पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो सतह पर जो अणु है उनकी पृष्ठीय ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सतह पर जो अणु है उनकी पृष्ठीय ऊर्जा ज्यादा होती है। लेकिन प्रकृति का नियम है, क्या नियम है, कि पूरे ब्रह्मांड में हर सिस्टम कोई भी हो न्यूनतम ऊर्जा में रहना चाहता है, जिसको मिनिमम स्थायी कक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा में रहना चाहता है। तो ये जो सतह है वो क्या करती है, न्यूनतम ऊर्जा लेने की कोशिश करती है कि इसकी ऊर्जा न्यूनतम हो, यानी ऊर्जा न्यूनतम करने की कोशिश करती है। अब न्यूनतम ऊर्जा कर कैसे सकती है, इस सतह पर अणुओं की संख्या को घटा के। अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, मान लो 50 अणु ऊपर लाए हैं तो ज्यादा कार्य करना पड़ा होगा, 25 अगर ऊपर होंगे सतह पर तो कम कार्य करना पड़ा होगा। तो इसका मतलब ऊर्जा को घटाना है तो क्या प्रकृति होगी इस सिस्टम की, कि वो कम से कम अणुओं को सतह पर रखे, ज्यादा से ज्यादा वो नीचे रखे, सतह पर कम से कम अणुओं को रखे। जब कम से कम अणुओं को रखेगी तो क्षेत्रफल भी कम से कम ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सतह कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है कम अणुओं को रखने के कारण। यही तो प्रस्तनाव है। प्रस्तनाव की बेसिक परिभाषा में शुरुआत में क्या पढ़ा था भी, कि कोई सतह संकुचित होने का प्रयास करती है, कम क्षेत्रफल घेरने की, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है, इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रस्तनाव कहते हैं। तो प्रस्तनाव को इस तरह से लाप्लास ने समझाया कि सतह पर जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि उनको अंदर से सतह तक लाया गया होगा, इस कारण से ससंजक बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया गया होगा, जो कार्य किया है वही संचित हो गया किसमें, पृष्ठीय ऊर्जा में। लेकिन नेचर की भी ये टेंडेंसी होती है कि वो न्यूनतम ऊर्जा घेरने की कोशिश करती है, और न्यूनतम ऊर्जा के लिए सतह की ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। सतह की ऊर्जा न्यूनतम तब हो सकती है जब अणु कम से कम हो, अणु कम से कम होंगे तो क्षेत्रफल भी कम से कम हो जाएगा, और न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, ये लाप्लास की व्याख्या हो गई। अब प्रस्तनाव कैसी राशि है, अदिश राशि है। प्रस्तनाव के कारण जो बल लगता है वो इस सतह के टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय दिशा में लगता है। अधिक ससंजक बल है, मतलब प्रस्तनाव निर्भर किस पे कर रहा है, ससंजक बल पर। अगर ससंजक बल अधिक है तो प्रस्तनाव अधिक होगा, ससंजक बल कम है तो प्रस्तनाव कम होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो जिन जिन बातों पर ससंजक बल निर्भर करता होगा उन सब बातों पर क्या करता है, पृष्ठ तनाव भी निर्भर करता है। तो देखते हैं पृष्ठ तनाव की निर्भरता। अब अपने नोट्स निकाल लो, अच्छा नोट्स तो अभी होंगे नहीं आपके पास, चलो तो फिर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, एक करके समझा देता हूँ, आपको नेक्स्ट सेशन पर मिल जाएंगे। पृष्ठ तनाव की निर्भरता किस बात पर निर्भर करते हैं, ये ससंजक बल पर। अब क्या होता है, सबसे पहले है ताप बढ़ाया जाए, तो ताप बढ़ाने पर अभी मैंने बताया था, लिखवाया था, ताप बढ़ाने पर ससंजक बल क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, घट जाता है। ससंजक बल द्रव का घट जाता है। अब ताप बढ़ाने पर ससंजक बल घट जाएगा तो पृष्ठ तनाव भी घट जाता है। तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है, और घटते घटते ताप बढ़ाते जाओ तो और घटता जाएगा, और एक निश्चित ताप पर यह घटके जीरो भी हो जाता है। उस निश्चित ताप को कहते हैं क्रिटिकल या क्रांतिक ताप। ऐसा ताप जिस पर पृष्ठ तनाव घटते घटते कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको कहते हैं क्या, क्रांतिक ताप। ठीक है, इसके बाद होता है अशुद्धियों पर। अशुद्धियों पर भी पृष्ठ तनाव निर्भर करता है, क्योंकि अशुद्धियों पर ससंजक बल भी निर्भर करता है। ऐसी अशुद्धियां जो किसी द्रव में पूर्ण रूप से घुल जाती है, कंप्लीटली डाइल्यूट हो जाए, तो वो ससंजक बल को बढ़ा देती है। ऐसी अशुद्धि जो किसी द्रव में घुल गई तो घुलने से क्या होगा, वो वैसे ही अणु बन गए उसके अंदर और बहुत सारे, तो ससंजक बल का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ससंजक बल का मान बढ़ गया तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है। लेकिन कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत ही घुलती हैं, पूर्ण रूप से नहीं घुलती, तो वो फिर एडहेसिव फोर्स का मान बढ़ाती है। किसका मान, असंजक बल का मान बढ़ाती है।
असंजक बल का मान बढ़ाती हैं, ससंजक बल का मान कम करती हैं। तो जब ससंजक बल का मान कम हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो उस स्थिति में पृष्ठतनाव क्या होगा, कम होगा। तो यहां से क्या पता चला कि ऐसी अशुद्धियां जो द्रव में पूर्ण रूप से घुल जाए, जैसे किसी शुद्ध पानी के अंदर आप सॉल्ट डाल दो, नमक डाल दो, शक्कर डाल दो, घोल दो अच्छी तरीके से, तो पृष्ठतनाव बढ़ा देंगी उसका। और ऐसी अशुद्धियां जो उसके अंदर घुले ना या कम घुले, बहुत कम घुले, तो उनको जैसे फिनॉल है, फिनॉल कम घुलता है, साबुन है ये भी कम घुलता है, ठीक है ना, अपने को लगता है कि पूरा घुल गया, उसके अंदर मिक्स नहीं होता, तो कम घुलता है, तो ये पृष्ठतनाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये अशुद्धियों पर निर्भर हो गया। फिर होता है कंटेमिनेशन पर, संदूषण पर। संदूषण का मतलब है कि द्रव की सतह पर जैसे धूल के कण हो, ग्रीस आदि के कण हो, ये जो क्या करते हैं, ये भी पृष्ठतनाव को घटाते हैं। क्योंकि अगर धूल के कण होंगे तो धूल के कण और जो पानी के अणु है उनके मध्य एक असंजक बल लगने लगेगा, और वो असंजक बल उस नीचे जो ससंजक बल है उसके परिणामी बल को कम कर देगा। तो ससंजक बल को घटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृष्ठतनाव कम हो जाएगा। विद्युतीकरण पर, इलेक्ट्रिफिकेशन पर, इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम करें, विद्युतीकरण करें, तब भी पृष्ठतनाव क्या होता है, घटता है, ठीक है, क्योंकि विद्युतीकरण में एक बाहर की तरफ लंबवत बल लगता है जो कि ससंजक बल को कम करता है। ससंजक बल कम हो गया तो क्या हो गया, पृष्ठतनाव भी कम हो जाएगा। पृष्ठतनाव एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक लाइन खींचते हैं परिभाषित करने के लिए इसके ऊपर, उस लाइन पर निर्भर नहीं करता। जैसे पृष्ठतनाव को परिभाषित करना है तो एक द्रव की सतह ले लेते हैं, उस पर काल्पनिक लाइन खींचते हैं, इस काल्पनिक लाइन पर लंबवत इकाई लंबाई के लिए जो बल लग रहा है उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो टी से डिनोट कर सकते हैं, और बल बटे क्या होता है, लंबाई, क्षेत्रफल नहीं, वो दाब होता है, ठीक है, तो बल बटे लंबाई। तो द्रव की सतह पर एकांक लंबाई पर लगने, काल्पनिक लंबाई खींच ली, उस काल्पनिक लंबाई पर एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है, और एकांक लंबाई पर लगने वाले स्ट्रेचिंग फोर्स को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर। और इस काल्पनिक लंबाई पर निर्भर नहीं करता किसका मान, पृष्ठ तनाव का मान। पृष्ठ तनाव का मान ना तो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, ना ही इस काल्पनिक लंबाई पर निर्भर नहीं करता, बाकी अभी जो मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए उन पर निर्भर करता है। बहुत सारे इसके व्यावहारिक उदाहरण भी होते हैं, जैसे समुद्र का जो पानी है उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, क्योंकि तो उसमें बहुत सारी घुलनशील अशुद्धियां मिली हुई हैं, पूर्ण रूप से घुलनशील अशुद्धियां मिली हुई। एक डेड सी है जिसको अपन मृत सागर कहते हैं, नेट पर सर्च करना, उसका इतना पृष्ठतनाव है, उसका इतना पृष्ठतनाव है बहुत ज्यादा कि उसमें कोई डूबता नहीं है। अब आराम से किसी को पटक दो तो उस पर पृष्ठ पे आराम से प्राणायाम कर सकता है सतह पे बैठ के, है ना, मतलब वो डूबता नहीं है कुल मिला के। ये है पृष्ठतनाव बहुत ज्यादा है तो ऊपर की तरफ बल ज्यादा लगता है, यानी हाँ स्पंजी टाइप का हो जाता है या तने हुए नेट की तरह व्यवहार करता है, डूबता नहीं। दूसरा और उदाहरण ले सकते हो, जैसे एक कटोरी में आप शुद्ध पानी भर लो, बिल्कुल आरओ का पानी, और उसमें एक जो सुई होती है छोटी सी नीडल, उसको आप धीरे से डाल दो वो डूब जाएगी, लेकिन उसी में बहुत सारी शक्कर घोल दो या नमक घोल दो, फिर उसके अंदर आराम से उस नीडल को डालोगे तो वो सरफेस पर ही तैरती रहेगी, क्योंकि अब क्या हो गया, बहुत सारी घुलनशील जो पदार्थ है उसके अंदर हमने मिला दिया, तो पृष्ठतनाव बढ़ गया। पृष्ठतनाव बढ़ गया तो वो सतह है वो नेट की तरह काम करेगी, तो उसके ऊपर वो नीडल घूमती रहेगी या तैरती रहेगी। और कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे फिनॉल वगैरह, मिट्टी का तेल वगैरह, उसमें कई जगह पर हम जहां पर गंदा पानी भरा होता है वहां डाल देते हैं तो मच्छर वगैरह उसमें तैरते नहीं है, क्योंकि फिनॉल या अगर हम मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल उसके ऊपर डालते हैं तो वो पार्टली डिजॉल्व होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व उसके अंदर नहीं होता, डाइल्यूट नहीं होता, पूर्ण रूप से उसके अंदर घुलनशील नहीं है, तो पृष्ठतनाव क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ही मच्छर वगैरह उसके ऊपर आएंगे सतह पर तो डूब जाएंगे, पृष्ठतनाव कम है तो। अदरवाइज पृष्ठतनाव इतना ज्यादा होता है
कि उनको मैदान मिल जाता है खेलने का, है ना। ये इसके व्यवहारिक उदाहरण हो सकते हैं। गांव में भी बहुत सारे जो हैंडपंप होते हैं या जो है कुएं होते हैं, जो पुराने कुएं हो जाते हैं जिसमें से पानी वगैरह लेते नहीं है, लेकिन नीचे बहुत सारा पानी, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको या तो कवर कर दो, या एक दूसरा तरीका अपनाते हैं सस्ता तरीका, कि थर्मोकॉल की छोटी छोटी बॉल होती है, तो बहुत सारी छोटी छोटी बॉल, थर्मोकॉल की बॉल, उसके ऊपर ऊपर से एक बोरा दो बोरा बॉल होती है छोटी छोटी, डाल देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो बॉल है वो तो उसके अंदर घुलनशील है नहीं है, तो बॉल और पानी के पृष्ठ के बीच में असंजक बल का मान बढ़ जाता है, ससंजक बल फिर कम हो जाएगा और बहुत अधिक मात्रा में कम हो जाता है, इसलिए पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसमें भी कीड़े मकोड़े जो है तैर नहीं पाते, वो डूब जाते हैं। तो ये भी एक व्यवहारिक उदाहरण बहुत सारे होते हैं। साबुन डिटर्जेंट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम ही करते हैं, ठीक है ना। इसलिए सर्फ एक्सल ये जो तमाम आते हैं, ये सब क्या है, इनका काम केवल पानी के पृष्ठ तनाव को घटाना है। पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है तो उससे क्या होता है, पानी कपड़ों के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक जा सकता है और वहां से डस्ट पार्टिकल को या डर्ट को बाहर निकाल सकता है। ये सिंपल सा इसका कारण होता है। मिल्क, कच्चा मिल्क जो होता है उसका भी सरफेस टेंशन बहुत बहुत कम होता है ना। तो इसका यूज भी बहुत सारे चेहरा साफ करने के लिए करते हैं, तो सरफेस टेंशन कम होता है। ब्यूटी टिप्स दे रहा हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आ जाओ। टी इक्वल टू क्या हो गया, लिखवा दूं क्या थोड़ा बहुत इसको, ये नोट्स में मिल जाएगा, वो तो लिखा हुआ, ठीक है। चलो सवालों पर आ जाएं, फिर एक सूत्र में लिखवा रहा हूं, फिर उस पर सवालों को करते हैं। देखो ये हमने देखा सरफेस टेंशन क्या था, एफ अपॉन एल न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा सूत्र। यहां से अगर मैं बल निकालना चाहूं तो टी इंटू क्या आ जाएगा, एल। एल वो लंबाई होती है, इसको प्रभावी लंबाई कह सकते हैं, और दो बार एफ हो गया, एफ इक्वल टू टी इंटू एल। एल क्या है, प्रभावी लंबाई है, और ये कौन सी प्रभावी लंबाई है, जिसके जितने लंबाई के संपर्क में द्रव रहता है, जितने प्रभावी लंबाई का मतलब जितनी लंबाई के संपर्क में क्या होता है, द्रव हो। जैसे एक रिंग है, बलय है आर त्रिज्या की, और इसको पानी की सतह के ऊपर डाल दिया, हम चाहते हैं कि इस रिंग पर, इस तार पर, बलय पर कितना बल लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण। तो हम ये जानते हैं एफ बराबर क्या है, टी इंटू एल। तो टी तो बना रहने दो कि पृष्ठ तनाव है इसका, द्रव का। अब आप देख रहे हो 2πr लंबाई इसकी है, तो 2πr तो लिखेंगे, लेकिन 2πr इसके अंदर भी द्रव है और इसके बाहर भी द्रव है, तो कुल कितनी लंबाई के टच में कौन है, द्रव है। तो अंदर से इधर से भी टच कर रहा है और इधर बाहर से भी उतनी ही लंबाई को टच कर रहा है, इसलिए यहां 2πr इंटू क्या आएगा, 2 और आएगा, ये ध्यान रखना है। तो बल लगा, बल बराबर हुआ 4πr इंटू टी, ये बलय के केस में बलय। तीसरा, एक चकती है, चकती को अगर हम किसी द्रव में डुबो दें, ऐसे द्रव में डुबो दिया, अब इस चकती को हम उठाना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, इस चकती पर, चकती को ये पूरा का पूरा द्रव अपनी ओर खींच रहा होगा, किस बल के कारण, असंजक बल के कारण। इस द्रव के अणु और चकती के अणुओं के मध्य असंजक बल लग रहा है, उनमें आकर्षी बल है और हम इसको बाहर खींचना चाह रहे हैं, तो चकती अंदर की ओर एक आकर्षी बल का अनुभव करेगी। तो कितने बल की आवश्यकता होगी, उसको एक्सेस बल कहते हैं, कितने अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, एक्सेस बल, तो वह एक्सेस बल होगा, इसी तरीके से निकलेगा टी इंटू
टू पाई आर, आर रेडियस है। इसमें दो से गुणा करें क्या? नहीं, इसमें इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चकती ठोस है, तो इसकी यही सतह ही तो, यही लंबाई ही तो क्या है, द्रव के संपर्क में है, अंदर तो संपर्क, अंदर तो द्रव है ही नहीं है। तो इसमें केवल t इंटू क्या होगा, 2πr, जितनी लंबाई द्रव के सतह में है। क्षेत्रफल नहीं, इसमें क्षेत्रफल है क्या कहीं बताओ, एल लंबाई है, क्षेत्रफल कहां है? तो हम तो प्रस्तराव में क्षेत्रफल लेते कहां है, लंबाई लेते हैं ना, है ना, हमें तो लंबाई चाहिए। अब ऐसे तो आयतन क्यों नहीं बोला, आयतन भी तो है, वो डूब रहा है उसके अंदर। तो प्रस्थ जो परिभाषा है वही तो लेंगे, परिभाषा में एफ बराबर टी इंटू एल है, तो हम लंबाई की ही बात करेंगे। लंबाई मतलब इसमें इसकी परधि, परधि चकती की परधि। चौथा, एक यहां पर ऐसे तार है वर्गाकार जिसकी भुजा ए है, और इसको हमने एक द्रव के अंदर डुबो दिया, बताओ पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला एक्सेस प्रेशर, एक्सेस फोर्स कितना होगा, अतिरिक्त बल टी इंटू इसका परिमाप लंबाई ए ए ए ए फोर ए, इसमें दो से गुणा करें क्या, बोलो करेंगे, अंदर भी द्रव है बाहर भी द्रव है, मतलब डबल लंबाई में द्रव संपर्क में है, तो टू से गुणा होगा, एफ बराबर हो जाएगा 8a t। पांचवा, मान लीजिए एक ऐसे ही ठोस वर्ग है जिसकी भुजा a है और ये किसी द्रव की सतह पर है, तो इसको खींचने के लिए अतिरिक्त बल एफ एक्सेस कितना होगा, इसमें होगा F इक्वल टू 4A इंटू टी, ठीक है 4A इंटू टी। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एन्यूलर रिंग है, मतलब ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, इतने पार्ट में ये ठोस है, अंदर से खोखली है, इस वलय को हम पानी की सतह पर या किसी द्रव की सतह पर रख देते हैं, तो ये बाहर वाली जो लंबाई है इसके संपर्क में भी द्रव है, अंदर R1 त्रिज्या में भी द्रव है, तो इसमें बल जब निकालेंगे तो T इंटू टू पाई, एक तो R1 प्लस टू पाई R2, तो यहां टू पाई तो कॉमन ले लो, टू पाई R1 प्लस R2 प्लस होगा, इसमें तो दोनों बल जुड़ जाएंगे। ये हमारे पास एक आर त्रिज्या की एक बूंद है और इसको हमने छोटी छोटी स्मॉल एंड ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया, और प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। अब देखो इनके सूत्र, ऐसा करते समय आयतन नहीं बदलता, आयतन संरक्षित रहता है, तो इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इनका कुल आयतन, एक का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन से गुणा करते हैं तो कुल आयतन हो गया, तो कुल आयतन कभी बदलता नहीं है। तो यहां 4/3 पाई से 4/3 काट दिए तो आप देख रहे हैं यहां एन बराबर आ गया, या कैपिटल आर का मान आ गया एन की पावर 1/3 इंटू आर, तो त्रिज्या तो इतनी होगी, ये स्थिर विद्युत में उसमें हमने संधारित्र में भी पढ़ा था, आर बराबर एन टू दी पावर 1/3 इंटू आर, तो यहां से एक मान तो ये निकल आया, और एन का मान कितना आ रहा है, एन बराबर आप देखो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर की पावर 3, यही आ रहा है, ठीक है, तो आर बाय स्मॉल आर लिखना हो तो एन की पावर 1/3 हो जाएगा। दूसरा सूत्र हम इसमें बनाएंगे, ऐसा करते समय इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कुल क्षेत्रफल बढ़ जाता है, आयतन नहीं बढ़ता ना घटता, लेकिन जब छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं तो हर एक का क्षेत्रफल निकल आ जाए, या इसका भी इसका भी इसका भी, तो टोटल क्षेत्रफल जोड़ोगे तो इसका क्षेत्रफल जो 4πr² था उससे ज्यादा निकलेगा, यानी क्षेत्रफल यहां पर क्या हो गया, बढ़ जाता है, यहां पर
यहां क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नोट करते चलो एक एक करके, यहां क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ वो निकाला जाए। तो क्षेत्रफल बढ़ गया, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए, यानी अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। अंतिम क्षेत्रफल कितना होगा, एन इंटू एक का क्षेत्रफल फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये एक बूंद का क्षेत्रफल हुआ, ये समस्त एन बूंदों का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, इस स्थिति में जब हमें कार्य निकालते हैं, कार्य पृष्ठीय ऊर्जा की जब बात करते हैं, तो देखो यहां पर पृष्ठ तनाव बराबर क्या था, एफ बटे एल, यही था। कार्य ऊर्जा बनाना है तो आप क्या करो, इसमें ऊपर नीचे एल से और गुणा कर दो, गुणा भाग कर दो, या डेल्टा एल से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें। तो बिमी रूप से आप देख रहे हैं एफ इंटू डेल्टा एल, ये तो ऊर्जा या कार्य हो गया, और टी इंटू डेल्टा एल इंटू एल क्या बन गया, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। तो कार्य बराबर क्या हुआ, टी इंटू डेल्टा ए। तो ऐसा करने में किया गया कार्य निकालना है, यानी एक बूंद को एन ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया तो कितना कार्य आएगा, तो वो कार्य आएगा टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए ये रहे, इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, फोर पाई कॉमन आ गया, अंदर एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये दिख रहा है हमें, फोर पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इससे हम कैपिटल आर स्क्वायर बाहर निकाल लें तो फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो फोर पाई आर स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, अब जब कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आया तो एन रहेगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वन, ये होगा कि नहीं होगा, ये बाहर आ गया कैपिटल आर, तो इसके नीचे भाग देना पड़ेगा, तो हो गया फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी। बोलो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कितना होता है, इधर देखा था कैपिटल आर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, यहां से निकाल लो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, एन की पावर माइनस वन बाई थ्री, बोलो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इधर चला जाएगा, एन की पावर माइनस वन बाई थ्री, और यहां एन है ही, तो एन इंटू एन टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री, लेकिन पावर टू है तो कितना होगा, माइनस टू बाई थ्री, तो घटाओ जरा वन में से माइनस का टू बाई थ्री, वन बाई थ्री बचा, तो यहां सीधे लिख दूं एन टू दी पावर वन बाई थ्री माइनस वन। तो ये रेडीमेड फॉर्मूला ये बना हमारे काम का, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी ब्रैकेट एन टू दी पावर वन बाई थ्री माइनस वन। प्रश्न ऐसा आता है कि अगर हम आर त्रिज्या की एक बूंद को तोड़ के एन बूंदों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किया गया कार्य कितना, ये होगा फोर पाई आर स्क्वायर टी एन टू दी पावर वन बाई थ्री माइनस वन। ठीक है, अब यहां क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो ऊर्जा कितनी चाहिए, चाहिए ज्यादा चाहिए कम चाहिए, क्षेत्रफल बढ़ रहा है अणुओं की संख्या बढ़ रही होगी तो क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए, बढ़ रहा है तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए मतलब यहां पर जो ऊर्जा है वो अवशोषित होती है, क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, और जब ऊर्जा अवशोषित होती है तो तापमान घटता है। ठीक है, तो यहां लिख लो लास्ट में, इस प्रक्रम में निकाय का तापमान घटता है, टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर निकाय का टेम्परेचर घटता है क्योंकि आसपास से ऊर्जा वो निकाय अवशोषित कर लेता है, उसको तोड़ने में तापमान घट जाएगा, तो तापमान इस
इस प्रक्रम में निकाय का तापमान घटता है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, फुलवाक चौराहे से आप निकलते हैं साइकिल पर और फुब्बारा चल रहा हो बढ़िया सा, तो चेहरे पर पानी की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की बौछार आती है, कितना अच्छा लगता है ना। ठंडों में चलाते नहीं है ना वो, ठंडों में इसलिए चलाते नहीं है, है ना। कभी कभी गलती से चला देते हैं तो अपन बगल से निकल जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फुब्बारे में क्या होता है, फाउंटेन्स में बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया है, तो वो आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करती हैं क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, इसलिए ताप घट जाता है। लिख लिया, तापमान घटता है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ऊर्जा को क्या करना पड़ता है, अवशोषित करना पड़ता है। अब एक काम करें, एन की पावर 1/3 है, तो एन की पावर 1/3 को क्या लिखते हैं, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर द्वारा लिख देते हैं। डब्ल्यू बराबर 4πr²t, क्या लिख दिया, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर माइनस वन, ठीक है। और इस आर को बाहर निकाल लेते हैं, 4πr³ हो गया, टी कितना बचा, 1/r माइनस 1/R, ये ठीक है। जब कैपिटल आर बाहर आ जाएगा तो ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूं जिससे कि यहां कुछ आयतन वगैरह बन जाए, 4/3πr³। ये 4πr³ ब्रैकेट 1/r माइनस 1/ क्या बन गया, कैपिटल आर। अब इसमें आयतन बनाने के लिए हम तीन से ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हैं जिससे कि आयतन बन जाए, और ऐसे ऐसा करने में क्योंकि अभी देखा कि ताप घट रहा था तो ताप कितना घट जाएगा वो अगर निकालना हो तो उसका भी सूत्र हम यहां बना सकते हैं। इधर तो लिख लिया ना, देखो W बराबर ताप के केस में ये लिख सकते हैं JMS∆θ, विशिष्ट ऊष्मा जैसा फॉर्मूला बनता है ना, MS∆θ, तो J कन्वर्जन फैक्टर है, तो JMS∆θ बराबर क्या लिख दूं, 4πr³t ब्रैकेट 1/r माइनस 1/R। हमें तो डेल्टा थीटा निकालना है, तो डेल्टा थीटा बराबर कितना, 4πr³t अपॉन JMS। अब m को लिख दें, m क्या होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, आयतन गुणा घनत्व, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू घनत्व हो गया रो, ठीक है, द्रव्यमान गुणा घनत्व इंटू स्पेसिफिक हीट एस, डेल्टा थीटा ये रहा, और इंटू 1/r माइनस 1/R। देखो जरा क्या कट रहे हैं, 4/3πr³ से 4/3πr³ कट गया, तो डेल्टा थीटा बराबर क्या आया, 3 ऊपर चला गया, 3t अपॉन जे रो एस, बस यही फाइनल फॉर्मूला हुआ। एक और रेडीमेड फॉर्मूला, डेल्टा थीटा कितना ताप घट जाएगा इस प्रक्रिया में, वो घट जाएगा 3t अपॉन जेरो एस 1/r माइनस 1/R, इतना घट जाएगा। तो इस प्रक्रम में क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ती है, और पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ने से आंतरिक ऊर्जा घटती है, और आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और आंतरिक ऊर्जा अगर घटेगी तो ताप घटेगा। लिख लो, नोट लिखो, यह प्रक्रम, इस प्रक्रम में क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ेगी, कॉमा आंतरिक ऊर्जा घटेगी और ऊर्जा अवशोषित होगी। आंतरिक ऊर्जा घटने से क्या होगा, तापमान घटेगा
और ऊर्जा अवशोषित होगी। क्या क्या लिखा? क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा घटेगी, तापमान घटेगा और ऊर्जा अवशोषित होगी। ये हो गया, हमने बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि हम छोटी बूंद को एक बड़ी बूंद में बना सकते हैं, बड़ी बूंद बना सकते हैं। तो अगला लिखो, छोटी बूंदों द्वारा बड़ी बूंद का निर्माण। फिर से थोड़े ना लिखना है, वो तो 2 मिनट का काम है ना, लिखो फटाफट। छोटी बूंदों द्वारा बड़ी बूंद का निर्माण, छोटी बूंदों द्वारा बड़ी बूंद का निर्माण, छोटी बूंदों द्वारा बड़ी बूंद का निर्माण। इसमें जो बड़ी बूंद बनेगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी? इतनी होगी जितनी थी। कैपिटल आर बराबर एन की पावर 1/3 × r, वही सूत्र लगेगा। तो पहला सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय ऊर्जा में कमी आती है, क्योंकि छोटी छोटी बूंदों का क्षेत्रफल ज्यादा होता है और उसको बना के एक बड़ी बूंद बना दी तो कम हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिखो, पृष्ठीय ऊर्जा यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होगी। पृष्ठीय ऊर्जा या पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होती है, पृष्ठीय ऊर्जा या पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होती है। तो ऐसा कमी होने से क्या होगा? ऊर्जा उत्सर्जित होगी। वहां अवशोषण होता ही हो रही थी, अवशोषण हो रहा था, यहां पर उत्सर्जित होगी। ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो निकाय का ताप बढ़ता है, तो निकाय का ताप बढ़ेगा, निकाय का ताप बढ़ेगा। उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी? उत्सर्जित ऊर्जा वही है, सारे सूत्र वही लगेंगे, है ना। आप चाहो तो सूत्रों को मत लिखो, सूत्र तो एज इट इज वही लिखने, सारे सूत्र वही लगेंगे। बस क्या अंतर आ जाएगा? इतना ही अंतर आ गया। क्या? नहीं, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन नहीं लेना, सब सूत्र वही हैं। क्या अंतर आ जाएगा? अरे अंतर इतना आ जाएगा कि वहां ऊर्जा अवशोषित हो रही थी या उत्सर्जित हो रही है, वहां ताप नेगेटिव नहीं, ठीक है। वहां पर क्या वो घटना हो गया ना, अपने देख लिया। ये जो ले रहे हैं ये तो अंतर ले रहे हैं ना, ये तो अंतर ले रहे हैं, ये तो अंतर ले रहे हैं। और यहां पर क्या हो रहा है? सूत्र सारे वही लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा वहां अवशोषित हो रही थी, यहां क्या होगी? उत्सर्जित होगी, ताप बढ़ेगा, और कोई अंतर नहीं है। तो लास्ट लाइन लिख लो बस, इस प्रक्रम में पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। फिर सवाल करेंगे, ठीक है। इस प्रक्रम में क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय ऊर्जा क्या होगी? हाँ, क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल कम होगा, पृष्ठीय ऊर्जा घटेगी और ताप बढ़ेगा। तो लिख लो ना उसको, पूरा लिख लिया था पहले ही। हाँ तो फिर ठीक है, लिखो एक सवाल, एक सवाल तो कराएंगे ना, ऐसा कैसे इतने सूत्र बढ़ा दिए, एक सवाल नहीं होगा। लिखो, 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर, 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर क्या बनाई गई? एक बड़ी बूंद बनाई गई, 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई। पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? छोटी बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा, छोटी बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा, छोटी बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा तथा बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा में अनुपात क्या है? छोटी बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा तथा बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा में अनुपात क्या है? बोलो, 1000 छोटी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन, ये सूत्र लग जाएगा, 4π r² t। n कितना है? 1000, 10 की घात 3, 10 की घात 3 से ये 3 कट गया, 10 में से 1 गया,
9, तो 9 चौको 36 कितना आ गया, 36 पाई आर स्क्वायर टी। तो पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन तो कितना आ गया, फिर क्या निकालना है, छोटी अनुपात और निकालना है, तो निकालो छोटी बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा और बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा में अनुपात। छोटी बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा कैसे निकालेंगे, करो कोशिश। 1000 बूंदों की कुल ऊर्जा निकाल लो, 1000 छोटी छोटी बूंदें थी और इससे क्या बनाना है, बड़ी बूंद। तो सबसे पहले तो कितना ऊर्जा में परिवर्तन आया, 4 पाई आर स्क्वायर टी, एन की पावर 1/3 यानी 10^3 - 1, तो 4 पाई आर स्क्वायर टी गुणा कितने, ये 1/3 था, ये कट जाएगा तो 9 रह गया, 36 पाई आर स्क्वायर टी, ये पहला उत्तर आ गया। ठीक है, मतलब यहां बड़ी बूंद की त्रिज्या के पदों में हम निकाल रहे हैं। अब हमें मालूम है कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, या कैपिटल आर बराबर होता है एन की पावर 1/3 ऑफ स्मॉल आर। तो कैपिटल आर बराबर 10^3 गुणा 1/3 आर, तो आर बराबर क्या आ गया, 10 स्मॉल आर, ये आ गया। अब देखो यहां एन छोटी बूंदों की कुल ऊर्जा, डब्ल्यू एन मान लेते हैं, तो एन गुणा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टी। बड़ी बूंद की ऊर्जा यानी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी, यही है। अब आप एन, एन यानी 10^3, 4 पाई से 4 पाई खत्म करो, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्या होता है, या स्मॉल आर का मान लिख दो, चलो स्मॉल आर का मान क्या है, r/10, तो इसको लिखते हैं r/10, और नीचे क्या है, ये 1/r है, पावर 2 कॉमन ले ले, आर से आर कट जाएगा, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्मॉल आर को लिख दिया r/10, और नीचे आर है, टी से टी भी कट गया, 10^3 / 10^2 कितना आ गया, 10:1, यही आ रहा है, ये उत्तर है।